वेलकम बैक टू मूनशाइन। आई एम स्वाति। आप सब कैसे हो गाइज? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है मैक का रूबी वू लिपस्टिक, जिसका रिव्यू हैंड स्वेचेस एंड लिप स्वेचेस मैं दोनों दिखाऊंगी। एंड ये इतना ट्रांसफर प्रूफ है गाइज, वो भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड ये लिपस्टिक बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा ही फेमस है मैक का रूबी वू, जो कि बहुत टाइम से सबको रिव्यू करते आ रहे हैं। बट मैंने इसीलिए अभी रिव्यू इसका किया है क्योंकि मुझे ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लगी थी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसे परचेज करने का, बट मैं सच बोलूँ तो मैंने इसे भी फर्स्ट टाइम परचेज किया है, और वो भी मैंने मिनी वर्जन परचेज किया है इसके। इसका जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह सा है। तो मैंने इसे परचेज किया है नायका से। आप नायका, मिंत्रा, पर्पल कहीं से भी परचेज कर सकते हो, बट आप अच्छी जगह से परचेज करो ताकि आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिले, ओरिजिनल मिले, डुप्लीकेट ना मिले। तो बी केयरफुल, क्योंकि जब हम ज़्यादा अमाउंट का परचेज करते हैं तो बहुत से डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल है जो कि हमें मिल जाते हैं। सो बी केयरफुल एंड साइट से आप ऑर्डर करें। आप मैक का साइट से ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज आप मैक के शॉप से परचेज कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप नायका, मिंत्रा या फिर पर्पल से भी कर सकते हो, वहाँ भी प्योर ऑथेंटिक ही ये लिपस्टिक आपको मिलेगा। तो इसका जो प्राइस रेंज है गाइज, आप सबको पता है 1000। ये 1000 की लिपस्टिक है गाइज, बहुत ही प्राइस तो इसकी ज़्यादा है, आई नो दैट, बट ये मैक का है सो यही बहुत है, क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत है। और तो इसका नेटवेट है 1.8 ग्राम गाइस, तो बहुत ही अच्छा क्वांटिटी आपको इसे मिल जाता है। तो इसके अंदर जो है ये छोटा सा आप देख सकते हो, इसका मिनी वर्जन बहुत ही क्यूट सा है ये। ये आप अपना वॉलेट में, अपने पॉकेट पे आराम से कैरी कर सकते हो कहीं भी अगर आप जा रहे हो, क्योंकि अगर आप बड़ा साइज लोगे, जैसे बड़ा साइज का प्राइस है 17, पहले 15 था, अभी 1700 हो चुका है। तो बड़ा साइज से अच्छा आप मिनी ले लो ताकि आप आराम से कैरी भी कर पाओगे और आपके पास अलग अलग सेट्स की रेंज भी आप रख सकते हो। तो बेस्ट है आप मिनी परचेज करो, मैं तो यही कहूँगी, सजेस्ट करूँगी आपको। तो इसका जो क्वान्टिटी आप देख सकते हो, अच्छी खासी क्वांटिटी आपको इसमें भी मिल जाती है, 1.8 ग्राम, बहुत ही अच्छा है। बट इसके प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैक का तो आप सबको पता है कि क्या प्राइस रेंज रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं, अगर आप भी रेड के दीवाने हो, आई मीन रेड लिपस्टिक के दीवाने हो मेरी तरह, तो आप इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कलर है। हाँ, ये वीडियो में थोड़ा आपको कलर चेंजिंग लग सकता है लाइट की वजह से, बट इसका जो कलर है गाइस, मैं आपको बताऊंगी ये लाइट में कैसा लग रहा है कैसा नहीं, बट बहुत ही प्यारा रेड शेड है गाइस, बिलीव मी इट्स रियली। मैंने एक और शेड लिया है गाइस, वो है डीवा का, तो मैं उसका रिव्यू भी नेक्स्ट वीडियो में करके डालूंगी कुछ टाइम बाद। तो मैंने फर्स्ट रूबी रू का डाला है, तो रूबी रू इज़ द बेस्ट कलर। ये शेड है गाइज, ये इंडियन स्किन टोन पे, हर इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा। अगर आप बहुत फेयर हो, मीडियम हो, डार्क हो, कोई भी स्किन टोन हो, आपका ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आई डोंट नो ये वीडियो में कैसा दिखेगा, बट बिलीव मी रियल में, रियल में आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा रेड एंड बहुत ही प्यारा रेड आपको ये नज़र आएगा। तो मैं इसे भी अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आप देख सकते हो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड शेड है। तो ये बहुत ही मैट है गाइज, बहुत ही अच्छा पाउडरी मैट है। आपको इसमें ज्यादा कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं इसे मैट करने के लिए या फिर इसका लॉन्ग लास्टिंग बढ़ाने के लिए। ये ऑलरेडी मैट है, वीडियो में थोड़ा सा लाइट लग रहा है, बट ये बहुत ही डार्क है। तो आप देख सकते हो गाइज, बहुत ही प्यारा रेड शेड है। तो वीडियो में ये थोड़ा लाइट दिख रहा है गाइज, लाइट थोड़ा शेड, ये थोड़ा लाइट दिख रहा है, बट आप रियल में देखोगे तो बहुत ही परफेक्ट रेड कहते हैं ना इसे, तो ये बहुत ही परफेक्ट रेड है। ये ब्राइडल के लिए भी बेस्ट लिपस्टिक है, क्योंकि इसका जो स्टेइंग पावर है वो 5 to 6 आवर है। अगर आप विदाउट एनी
लूज़ पाउडर यूज़ किया अगर आप लगाते हो डायरेक्टली, तो अगर आप लूज़ पाउडर करके अच्छे से आप इसे अप्लाई करते हो, जो कि बहुत ही पुराना ट्रिक है, टिश्यू पेपर में आप टैप करके उसे लूज़ पाउडर से आप टैप कर सकते हो, जिससे कि लिपस्टिक और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनती है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक पसंद नहीं है, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक बहुत मैट होता है और वो जल्दी निकल जाता है या फिर वो ड्राई आउट हो जाता है या फट जाता है, इसका बहुत ही ज़्यादा ड्राई लिप्स है। सो अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक पसंद नहीं है बट आपको मैट चाहिए, तो आप रूबी रू का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मैट है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है एंड इट्स लुक रियली नाइस। अगर आप विदाउट मेकअप भी इसे अप्लाई करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ मेकअप अप्लाई नहीं किया है, बट ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ये लिपस्टिक। सो गाइज, इस लिपस्टिक के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही बेस्ट लिपस्टिक है। अगर आपको मैक लिपस्टिक, आपको मैक के अगर आप फैन हो, अगर आप चाहते हो रूबी रू का परचेज करना या फिर लेना, तो आप ज़रूर परचेज करें। बिल्कुल भी आपको इसको परचेज करने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पैसे वेस्ट कर दिए या फिर बहुत ज़्यादा कहीं लगा दिया, क्योंकि मैंने इसका बहुत सारा डिप देखा है। इसके जैसे बहुत सारे लिपस्टिक लॉन्च हो चुके हैं, बट इसके एक्चुअली इसके कंपैरिजन में अभी तक मुझे कोई लिपस्टिक नहीं लगा है। हाँ, कलर सेम दिख जाते हैं थोड़ा, बट इसका जो कंफर्टेबल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही बेस्ट है। और ये वीडियो में पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, तो रियल में अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही मतलब प्यारा सा रेड शेड बोलते हैं ना, परफेक्ट रेड शेड वो है। तो आप इसे परचेस कर सकते हो, और मैं तो कहूँगी हर एक लड़की के पास ये रूबी वो तो होना ही चाहिए मैक का। मैं इसका स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं आपको लेने के लिए कह रही हूँ, बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इफ़ अगर आपको पसंद है तो आप परचेस करिए, अदरवाइज योर चॉइस। या तो ये लिपस्टिक की बातें हो गई गाइस। सो मैं इसका हैंड स्वेचेस भी दिखा दूँ गाइस, देख सकते हो गाइस बहुत ही मैट है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा ये रिव्यू गाइस यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और छोटे से बेल आइकन इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे नए आने वाले अच्छे एक्साइटिंग वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, एंड या कीप सपोर्टिंग। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हो किसी चीज़ के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उस चीज़ पर वीडियो बनाने का। सो गाइज, बाय बाय।